नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनु डाबर। आज हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स। जी हाँ, क्या सच्चाई है और क्या झूठ है आर्थराइटिस के बारे में। तो आज हम वो सात सच्चाइयां जानेंगे आर्थराइटिस के बारे में जो बहुत जरूरी। पहली धारणा जो लोगों के मन में है आर्थराइटिस के बारे में वो ये है कि आर्थराइटिस एक ही बीमारी है सिर्फ, और वो सिर्फ बुजुर्गों को होती है। तो ये एब्सोल्युटली गलत है। उसी के साथ साथ गठिया सिर्फ एक लक्षण है। जी हाँ, 100 से ज्यादा कारण होते हैं गठिया के। अलग अलग टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्रिस्टल आर्थराइटिस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गठिया अगर किसी को हो गया तो उसका इलाज संभव नहीं है, या अगर उसका इलाज किया जाता है तो सिर्फ पेन किलर्स या स्टेरॉइड्स के माध्यम से किया जाता है। ये भी एकदम गलत बात है। आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, बिना पेन किलर्स और स्टेरॉइड्स के भी पॉसिबल है। हम 2024 में जी रहे हैं, आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कम्प्लीटली इवॉल्व हो चुका है, सेफ वेल रिसर्च मेडिसिन अवेलेबल हैं। इसलिए अब आर्थराइटिस को लाइलाज बीमारी या बिना ट्रीटमेंट की बीमारी नहीं समझा जाना चाहिए। तीसरी जो स्टेटमेंट है कि आर्थराइटिस का इलाज करने के लिए क्या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। जी हाँ, जैसे आपके ब्रेन का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं, हार्ट का इलाज कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, ऐसे ही आर्थराइटिस का इलाज जो डॉक्टर्स करते हैं उन्हें रूमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो MD मेडिसिन के बाद 3 साल की डिग्री लेते हैं, जिसे DM रूमेटोलॉजी या DNB रूमेटोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद उन्हें पदवी मिलती है रूमेटोलॉजिस्ट की। तो रूमेटोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट हैं जो अलग अलग तरह के आर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों का इलाज करते हैं। चौथी स्टेटमेंट ये है कि आर्थराइटिस जो बीमारी है वो सिर्फ हाथों में और घुटनों में असर करती है। जी नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आर्थराइटिस आपके सर्वाइकल स्पाइन से लेके आपके TMJ जॉइंट, वहां से लेकर हैंड, एल्बो, शोल्डर, नी, रिस्ट, एंकल, आपके शरीर के किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके हिप के आसपास सैक्रोइलियाक जॉइंट, आपकी स्पाइन में, उन सब पर भी ये बीमारी असर ला सकती है। जो पांचवी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आर्थराइटिस बीमारी है, ये सोचा जाता है कि उसके लक्षण कभी भी जोड़ों के बियॉन्ड नहीं दिखेंगे, वो प्रॉब्लम सिर्फ जोड़ों में रहेगी। जी नहीं, आर्थराइटिस जैसे मैंने बताया एक लक्षण है बहुत तरह की अलग अलग ऑटोइम्यून बीमारियों का, जहां पर सिम्टम्स मल्टी ऑर्गन भी हो सकते हैं। जी हाँ, आर्थराइटिस के पेशेंट में स्किन में रैश आएगा तो वो साथ में लूपस बीमारी हो सकती है। कुछ आर्थराइटिस के पेशेंट्स की चमड़ी लेदर जैसी सख्त हो जाती है, जिसे स्क्लेरोडर्मा कहा जाता है। कुछ आर्थराइटिस पेशेंट सडन किडनी फेलियर के साथ प्रेजेंट करते हैं, जिसे वैस्कुलाइटिस कहा जाता है। तो ऑटो इम्यून बीमारियों में जॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स पर असर होता है। इनफैक्ट अगर किसी पेशेंट को जॉइंट पेन के अलावा 2-3 और ऑर्गन सिस्टम में कुछ ना कुछ असर आ रहा है, कभी बुखार आ गया जो ठीक नहीं हो रहा, स्किन रैश हो रहा है, किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन पर असर आ रहा है, जो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे, कार्डियोलॉजिस्ट कह रहे हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, नेफ्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं आप स्किन वाले के पास जाओ, तो आपको जरूरी है कि आप एक बार रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। इसके बाद जो छठी इंपॉर्टेंट बात को पता होनी चाहिए वो ये है कि आर्थराइटिस के लिए ये कहा जाता है कि आर्थराइटिस का इलाज अगर एक बार शुरू हो गया तो कभी बंद नहीं होगा, और आर्थराइटिस के लिए जो एलोपैथिक दवाइयाँ यूज की जाती हैं उनसे लिवर किडनी खराब हो जाते हैं। ये भी एकदम गलत धारणा है। जितना जल्दी आर्थराइटिस पकड़ा जाएगा, बहुत पॉसिबल चांसेस है कि आपकी दवाइयाँ 1-4 साल में कम होकर बंद भी हो जाए। जितना डीले करेंगे आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट की शुरुआत में, उतना लंबी आपकी दवाइयाँ चलती हैं। और जो भी आर्थराइटिस में हम मेडिसिन यूज करते हैं वो प्रॉपर रिसर्च के बाद यूज होती है। हर 3 से 6 महीने में आपके ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं ये देखने के लिए कि इन दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक बार चला दिया जाएगा और ये लाइफ लॉन्ग चलेंगी और हम कुछ मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। रूमेटोलॉजिस्ट रेगुलर इंटरवल्स पे आपको इसीलिए बुलाते हैं कि जो दवाइयां दे रहे हैं क्या उन्हें कम किया जा सकता है, उनकी वजह से कोई अनटॉवर्ड साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो 7th और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये कहा जाता है कि स्पेशलिस्ट, इनफैक्ट रूमेटोलॉजिस्ट के अलावा तो कोई स्पेशलिस्ट होते भी नहीं है इन बीमारियों के लिए, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत लंबे समय तक चलाए जाते हैं। ये भी एक मिसकंसेप्शन या एक मिथ है। अच्छा रूमेटोलॉजिस्ट वो है जो या तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, या फिर अगर कुछ लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां जैसे लूपस और वैस्कुलाइटिस में करेगा भी तो 3 से 6 महीने से ज्यादा नहीं, और लोएस्ट पॉसिबल डोज यूज करेगा उन स्टेरॉइड साइड इफेक्ट से बचने के लिए। और उसी के साथ साथ कुछ ऐसी मेडिसिन भी देगा जो स्टेरॉइड के होने वाले साइड इफेक्ट जैसे बोन में वीकनेस आना या फिर खाने की पाइप में आंसर, उनको अवॉइड किया जाएगा। सो कहने का मतलब है अगर 100 बीमारियां हैं आर्थराइटिस अलग अलग टाइप के, हार्डली 5 बीमारियों में लंबे समय तक लो डोज स्टेरॉइड यूज करने पड़ते हैं। तो आज इन बातों के जरिए आई एम श्योर आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस और ऐसे अलग अलग तरह के आर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में सही जानकारी पा पाए और आज के बाद भ्रमित ना। थैंक यू।